press the bell icon for all the updates. हाँ, अब देविका को देवी और अधिराज की बेटी साबित करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। बाल बाल तोड़ दिए देविका के। देविका ने बोला था बालों को मत छूना, तो कुछ कुछ गाड़ करके देविका का डीएनए टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट्स ये आई है कि वो अधिराज और देवी की ही बेटी है। पर ये मासा ने हैंडल किया था, तो मासा ने ही कोई चाल चली थी, तो शी हैज़ हैंडल्ड इट। तो देविका को ऐसा पता नहीं है कि रियल में उसके मम्मी पापा देवी और अधिराज है। अच्छा, लेकिन वही कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ कह लें आपके लिए, वो भी सुनने मिली है, तो वो कितनी हैपनिंग है आपके लिए? ओह गॉड, क्या न्यूज़ है। मतलब अब देविका बहुत स्टक है, क्योंकि डील साइन कर ली है उसने मासा के साथ। मतलब साइन मतलब ऐसे ही अपनी जुबान से, जुबान की पक्की है देविका, तो बोल दिया तो बोल दिया, भटेगी नहीं अपनी शब्दों से। तो बोल दिया है कि हाँ, मैं आपकी बेटी बन के आपकी मदद करूँगी। पर एक एक के बाद एक एक कार्ड्स प्ले कर रही है मासा कि चलो अब ये भी करना है, अब वो भी करना है। तो शादी, तो भाई शादी समथिंग सीरियस, देविका कितनी भी नटखट और कितनी भी बिंदास हो, बट शादी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। और वो है भाई, शादी का नाटक नहीं करेगी, पर अब वो भी शायद मतलब करनी है, ऐसा बोला है मासा ने। तो देविका ने भी बोल दिया कि हाँ, शादी तो कर लूँगी, उसमें कोई टेंशन नहीं है, पर अपनी चॉइस के लड़के से। किसी को भी उठा के मासा लाएगी और देविका शादी कर लेगी ना। अच्छा, लास्टली अधिराज और देवी की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया गया था, बड़ी नोकझोंक भरी रही थी। आप लोगों की अगर होगी तो कैसी होगी और कितना एंटरटेनमेंट मिलेगा? देवी और अधिराज आदवी जो थे वो बहुत झगड़ते थे 100%, पर एक मच्योरिटी थी। मतलब अधिराज गुस्सा करता था, हाइपर था, और देवी बहुत ज़्यादा मच्योरिटी से हैंडल करती थी चीज़ों को। यहाँ पे देविका और वरुण दोनों ही यंग है, नटखट है, शैतान है, और दोनों ही तूफान मेल है। मतलब दोनों ही एक दूसरे को, वो हेटेड लव स्टोरी थी और ये नटखट लव स्टोरी है। तो ये भी आपको देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही ऐसे फिल्मी टाइप है और हर चीज़ को ना बड़ी नौटंकी से करते हैं। तो ये वाली जो लव स्टोरी है वो ज़्यादा फनी और कॉमिक रहने वाली है। आई होप यू ऑल एंजॉय।